कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस के पार्ट 8 से। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने टाइम एंड टेंस चैप्टर के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस समाप्त कर लिया है और साथ साथ पास्ट टेंस को भी समाप्त कर लिया है। अब बारी है फ्यूचर टेंस की। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस फ्यूचर टेंस को समाप्त कर लेंगे पूरी तरीके से, और इसके साथ हमारा ये टाइम एंड टेंस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी1, ठीक है। साधारण तौर पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें शैल या विल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग साधारण तौर पर देखा जाए तो आई और वी के साथ होता है, जबकि विल का प्रयोग बाकी बचे सब्जेक्ट जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, दे, यू, है ना, और बाकी सारे नाउन्स के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन ये साधारण प्रयोग है। आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग ज़्यादा कॉमन हो गया है। आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग साधारण तौर पर हम लोग करते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक और बात जो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग भविष्य काल में निश्चितता की बात करते हैं, मतलब ऐसा काम जो भविष्य में निश्चित तौर पर हम करेंगे, तो हम शैल या विल को इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि अगर बोला हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा, तो साधारण तौर पर अगर बोलेंगे तो आई शैल कम बोलेंगे, मैं आऊँगा। लेकिन अगर बोलूंगा बोलना होगा कि मैं अवश्य आऊंगा, तो यहाँ पर हम लोग आई विल लगा देते हैं, क्योंकि विल से हमको क्या पता चलता है, एक डिटर्मिनेशन पता चलता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस पता चलता है, एक विश्वास जगता है कि विल लगा है मतलब चीज़ें श्योर तौर पर होगी, निश्चितता पता चलती है। तो ये काम करना होता है। दूसरा, ही और शी के साथ या बाकी सब्जेक्ट के साथ जनरली हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वही निश्चितता की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर विल के जगह पर शैल का प्रयोग कर देंगे। ये एक छोटे तौर पर इसको समझना है। लेकिन अगर बात करें कॉमन प्रयोग की, कॉमन यूजेस की, तो कॉमन यूजेस में विल का प्रयोग कॉमन है, कॉमनली यूज होता है आई और वी के साथ मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस कहाँ यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए साधारण तौर पर, ठीक है। जैसे शी विल कम, दे विल नॉट डू दिस अगेन, वी विल सक्सीड समडे, वो आएगी, वे लोग दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, वी विल सक्सीड समडे, हम लोग सम किसी दिन कामयाब होंगे। तो सब फ्यूचर की बातें हैं, भविष्यकाल की बातें हैं, भविष्य में होने वाली बातें हैं। तो हम लोग शैल या विल का प्रयोग करके वी वन का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक। दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वैसे केस में जहाँ दो कार्य होते हैं, दोनों भविष्य की बातें होती हैं, लेकिन एक कार्य के बाद तब दूसरा होने वाला होता है, कोई एक कार्य पूरा होगा या कंडीशन होती है कि ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, तो वैसे केस में हम लोग जो कंडीशनल क्लॉज होता है, मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसमें हम लोग फ्यूचर टेंस की यूज़ करते हैं। और ये बात हम लोग ऑलरेडी जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर ली है। सेम बात यहाँ भी पढ़ना है। जैसे आई शैल टॉक टू हिम इफ़ ही मीट्स मी, ठीक है, अगर वो मुझसे मिलता है या मिलेगा तो हम मैं उससे बातें करूँगा। वी विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो एक कंडीशनल क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, और दूसरा जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस देख सकते हैं, जबकि कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। शी विल नॉट कम टू मीट यू इफ़ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली। तो ये सारे देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे कंडीशनल क्लॉज यहाँ लगे हैं, जिसमें कि हम लोग कंडीशनल क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए हैं सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव का प्रयोग करके, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें शैल या विल का प्रयोग करके वी वन का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो जिसमें शैल या विल तो नहीं लगे होते हैं, लेकिन फ्यूचर एक्शन जरूर बता रहे होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव टू प्लस वी वन है, तो हैज़ हैव लगा है, टू लगा है, वी वन लगा है, तो ये फ्यूचर एक्शन को ही बता रहा है। जैसे यू हैव टू पे योर डेब्ट्स, तुम्हें अपना ऋण पूरा करना है, चुकाना है। दे हैव टू वैकेट दिस हाउस, उन्हें इस घर को खाली करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज, हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है। तो सब काम हम लोग भविष्य में करने को बोल रहे हैं, ऐसा करना है या ऐसा होना है, तो इसलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हैज है प्लस टू प्लस वी वन का यूज़ करते हैं। फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर का आपके के अवेयरनेस में होना ये बेहद ज़रूरी है। अगर रहेगा तो अंग्रेजी के ऊपर पकड़ अच्छी रहेगी, समझदारी डेवलप होगी, ठीक है। दूसरा बात, द स्ट्रक्चर इज एम आर टू प्लस वी वन, ठीक है, इज एम आर टू प्लस वी वन। जैसे कि किसी हिंदी वाक्य में वाला हूँ करके वाक्य होता है, या वाले हैं करके वाक्य होता है, ठीक है, वाला है, तो ऐसे वाक्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस टेंस का, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे यू आर टू सक्सीड,
तुम सफल होने वाले हो। दे आर टू गो टू लंडन, वे लोग लंदन जाने वाले हैं। आई एम टू लीड अ प्रिजन, मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। तो सब फ्यूचर एक्शन ही हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्य को इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग फ्यूचर एक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी याद करना ज़रूरी है। और इसी तरह से सेम है, यहाँ पर हम अबाउट टू प्रयोग करके भी इस सेम सेंटेंस को लिखते हैं। अबाउट टू, जैसे कि दे आर अबाउट टू गो टू लंडन, वे लोग लंदन जाने वाले हैं। सी इज़ अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, वे लोग वह नई कंपनी शुरुआत करने वाली है, शुरू करने वाली है। तो इसमें भी वाला है वाली है करके सेंटेंस लगा रहता है हिंदी में, तो उसको भी हम अबाउट टू करके प्रयोग करके या इज एम आर प्लस अबाउट टू प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब अबाउट टू लगा है या नहीं लगा है। अगर चीज़ें सेम हैं तो या तो सीधे इज एम आर करके टू प्लस वी वन कर दीजिए, या फिर इज एम आर करके अबाउट प्लस टू करके आप कर सकते हैं। अंतर बस थोड़ा सा ये होगा कि अबाउट टू वाले सेंटेंसेस में वो काम जिसकी चर्चा की जा रही है वो थोड़ा जल्द होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही होने वाला है, ये बस ये होता है। और ये जो ऊपर वाला वाक्य है उसमें भी भविष्य में होने वाला है लेकिन बहुत जल्द होगा, इसकी कोई ये नहीं है कि बहुत जल्द होगा, लेकिन इसमें है कि हाँ जल्दी होने वाले कॉम्पेरेटिवली इसके, बस यही बात है। ठीक है, दूसरा द स्ट्रक्चर बी प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव। बी का मतलब होता है इज एम आर, पहले ही पढ़ चुके हम लोग इज एम आर, ठीक है, या वॉज वेयर। यहाँ पर साधन वॉज वेयर का प्रयोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि बात फ्यूचर टेंस की हो रही है, वॉज वेयर आने से वो पास्ट टेंस में चला जाता है, तो इज एम आर तक ही सीमित रहते हैं। तो इज एम आर गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव, जैसे आई एम गोइंग टू इन्वाइट देम, मैं उन्हें इन्वाइट करने जा रहा हूँ अपने बर्थडे पार्टी के लिए। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड नेक्स्ट टर्म, ठीक है, तुम कड़ी मेहनत करने जा रहे हो अगले टर्म में। तो बस यही बात है, फ्यूचर एक्शन बता रहा है और करने जा रहे हो, करने वाले हो, इस टेंस को बताने के लिए हम लोग इज एम आर प्लस गोइंग टू का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये तो इन्हें स्ट्रक्चर हो गए फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, शैल विल का प्रयोग नहीं है, फिर भी ये फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं और ये आपके जानने के लिए बेहद ज़रूरी है, ट्रांसलेशन में काम आता है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसका सबसे पहले क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी फोर। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस विच विल रिमेन इन एक्शन इन फ्यूचर, वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में कंटिन्यूड एक्शन के तौर पर रहेंगे, ठीक है, जारी रहेंगे, वैसे चीज़ों को जताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यू विल बी प्लेइंग टुमारो, तुम कल खेल रहे होगे। व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे बच्चे सो रहे होंगे। तो फ्यूचर की बातें हैं लेकिन एक कंटिन्यूड एक्शन की बातें हो रही है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी फोर का प्रयोग करते हैं। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट है, इसी टेंस का यूज़ हम भविष्य में होने वाले किसी निश्चित चीज़ों को जब हम प्लान करके चलते हैं और प्लान में वो चीज़ें भविष्य में जारी रहेगी प्लान के तहत, तो भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन तौर पर अगर समझना है तो बस इतना समझिए कि वैसे सभी कार्य जो फ्यूचर में जारी रहेंगे, जारी होने का सेंस उससे प्रतीत हो रहा होगा, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे दे विल बी स्टेइंग विथ मी टिल मंडे, मंडे तक वे लोग मेरे साथ रह रहे होंगे। तो एक टिल मंडे दिया है, एक निश्चित टाइम रेफरेंस है, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होगी, ठीक है, तो तब तक वो काम जारी रहेगा। नेक्स्ट वीक वो मुझसे मिल रहा होगा, अगला वीक फिर से, यहाँ पर एक निश्चित टाइम योजना टाइम दिया है, टाइम रेफरेंस दिया है, मतलब ये भी किसी प्लान के तहत होगा और वो काम कंटिन्यूड होगा। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ये भी एक टाइम रेफरेंस दिया है, मतलब कहीं ना कहीं एक निश्चित प्लानिंग होगी, और काम मेरा मैं करता रहूँगा इस मंथ के अंत तक, तो इस बात की जानकारी दी जा रही है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़। तो बेसिक बातें जो समझना था बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, और इसका जो बेसिक प्रयोग है, बेसिक तात्पर्य है कि भविष्य में कुछ ऐसे कार्य जो जारी रहेंगे उनको जताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, सॉरी हैज हैव नहीं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब वैसे कार्यों को बताने के लिए जो भविष्य में समाप्त तो हो चुके होंगे, है ना, वैसे चीजों को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यू विल हैव कम्प्लीटेड योर ट्रेनिंग बाई जून, आई विल हैव रेड ऑल द बुक्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, मैं जून तक अपना ट्रेनिंग समाप्त कर चुका होऊंगा, मैं एग्जामिनेशन
शुरू होने से पहले अपनी सारी किताबें पढ़ चुका होऊंगा, तो चुका होऊंगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, मतलब ऐसा चीज़ जब इंडिकेट हो कि भविष्य में वो काम हो चुका होगा, समाप्त तो हो चुका होगा, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। खास करके कोई टाइम रेफरेंस दिया हो कि इस समय तक अगर हो तो हम लोग बाई का यूज़ जनरली कर लेते हैं, जैसे कि बाई जून, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई जनवरी, बाई मंडे, ठीक है, इस तरह का प्रयोग कर लेते हैं, या बिफोर द एग्जामिनेशन, या बिफोर का भी यूज़ कर लेते हैं और उसके साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस दे देते हैं कि ताकि हम लोग को एक समय रेफरेंस पता चल सके कि इस समय तक ये काम हो चुका होगा। तो साधारण सी बात है, अगर कभी भी पता चले किसी ऐसे कार्य के बारे में जो भविष्य में हो चुका होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस बात को आपको समझ लेना है। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी, ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग खत्म है, समाप्त हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। स्ट्रक्चर कहे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर, ठीक है, जैसे कि दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है, वे लोग अपने काम करते रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब वैसे कार्यों को स्पष्ट करने के लिए, वैसे कार्यों के बारे में बताने के लिए जो किसी लंबे अवधि से भविष्य में जारी रहेंगे, उसके लिए लंबे समय से भविष्य में जारी रहेंगे, वैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कभी कभी इसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का भी यूज़ करते आए हैं, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे। फ़र्क क्या है इसमें कि पॉइंट ऑफ टाइम एक होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। साधारण तौर पर क्या समझें कि पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, और पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चीज़ें चेंज कर जाती है, अब सेंस का यूज़ नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में करेंगे फ्रॉम का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर टेंस में भी हम लोग फॉर का ही यूज़ करते हैं। तो मतलब फॉर रह जाता है, बस सेंस की जगह पर फ्रॉम आ जाता है, सेंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फ्रॉम मंडे, ठीक है, मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने ना फ्रॉम का यूज़ किया, सेंस का प्रयोग नहीं किया है, जबकि ये पास्ट टेंस में अगर रहता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह सेंस लगा देते। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि सेंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं सेंस की जगह पर, बस इतनी बातें हैं। तो इसके साथ आपका ये जो टेंस है वो पूरा टेंस आपका समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियोस को बार बार देखने से ही चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होगी। एक बार में कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, बार बार देखना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, तो इसी तरह से बार बार समय निकाल के रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस में लेते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपका अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर पकड़ अच्छी हो जाती है तो समझदारी बहुत अच्छी बन जाएगी अंग्रेज़ी के प्रति, और किसी भी कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ बाकी वीडियोज भी पसंद आ रहे होंगे, मैं आप लोगों से विदा देता हूँ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, जो होगा दूसरे चैप्टर से संबंधित। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहे, पढ़ाई लिखाई करें, स्वस्थ रहे, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ओके।